नमस्कार, चौपाल व्यू पे आपका स्वागत है। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप ये फेसबुक पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चौपाल व्यू के रोचक किस्से के क्रम में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में कुछ रोचक जानकारियां। आखिर क्या है मंदिर का इतिहास, क्यों कोर्ट पहुंच गया इस धार्मिक स्थल का मामला, बताएंगे हम आपको सारा राज। तो बने रहिए हमारे साथ। पद्मनाभ स्वामी मंदिर में कितना है खजाना, क्या पैसे भगवान और उनके अनंत खजाने की कहानी जानते हैं जो नारियल के खोल से खाते थे। मान्यता है कि खुद इस मंदिर के रचयिता के सपने में आए थे और उन्हें मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य सौंपा था। बात हो रही है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की, जो अनेक रहस्य मान्यताओं, विश्वास और बेहिसाब खजाने का गढ़ माना जाता है। अभी कुछ समय पूर्व ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मंदिर के ऑडिट की तारीख फिर से आगे बढ़ा दी। मंदिर का ऑडिट दरअसल इसमें रखे खजाने का ऑडिट, यह है मंदिर की कहानी। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है। भारत में वैष्णववाद से जुड़े 108 मंदिरों में से एक है। इसे सबसे पहले किसने बनाया कोई नहीं जानता। मान्यता है कि इस स्थान पे सबसे पहले भगवान विष्णु की मूर्ति प्राप्त हुई थी, उसके बाद उसी स्थान पे मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर के समीप ही एक सरोवर है जिसे पद्मतीर्थ कुलम कहा जाता है। ये मंदिर चेरा और द्रविड़ शैली की वास्तुकला का एक खूबसूरत मिश्रण है और केरल साहित्य और संस्कृति का एक अनूठा संगम भी। यहाँ ऊंची दीवारें हैं और 16वीं शताब्दी का गोपुरम भी। मार्तंड वर्मा ने 1733 में इसका पुनर्निर्माण कराया था। मंदिर की संरचना में सुधार कार्य किए जाते रहे हैं। यह गर्भगृह में भगवान विष्णु की एक विशाल मूर्ति शेषनाग पर शयन मुद्रा में मौजूद है। भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को ही पद्मनाभ कहा जाता है और यहाँ विराजमान भगवान पद्मनाभ स्वामी के नाम से जाने जाते हैं। केवल हिंदुओं को ही इस मुस्लिम में प्रवेश मिलता है। इसके लिए पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य है। हालांकि केरल के कासरगोड स्थित अनंतपुर मंदिर को देवता का मूल स्थान माना जाता है, लेकिन कुछ हद तक पद्मनाभ स्वामी मंदिर तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में स्थित आदिकेशव पेरुमल मंदिर की वास्तुकला से इंस्पायर्ड नजर आता है। पद्मनाभ स्वामी त्रावणकोर शाही परिवार के संरक्षक देवता है। वर्तमान में इस परिवार के महाराज मुलम थिरुनल राम वर्मा मंदिर के ट्रस्टी है। जानिए आखिर पूरा स्थल कोर्ट कैसे पहुंचा। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कथित तौर पर देश के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। साल 2011 में खबरों में आया कि 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत का खजाना इस मंदिर में मिला था। मंदिर के गर्भगृह के पास 6 भूमिगत चैम्बर्स या कक्ष है जिन्हें एक्सपर्ट्स ने ए से एफ नाम दिए। केरल हाईकोर्ट ने 2011 में फैसला सुनाया कि राज्य सरकार मंदिर और उसकी संपत्ति का नियंत्रण ले, पर त्रावणकोर शाही परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। उसके बाद एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट कमीशन की गई और नवंबर 2012 में इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि शाही परिवार मंदिर के खजाने पर कब्जा कर रहा था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट का 2011 का फैसला पलट दिया। साथ ही ये भी कहा कि शाही परिवार के सदस्यों के पास शबद अधिकार है, भले ही उनके अंतिम शासक की मृत्यु हो चुकी है। शबद अधिकारी का अर्थ होता है देवता के आर्थिक मामलों को संचालित करने का अधिकार। वर्षों तक चले कानूनी संघर्ष के बाद जुलाई 2020 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से त्रावणकोर रॉयल फैमिली को मंदिर में अपना अधिकार वापस मिला। साथ ही शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को मंदिर के प्रबंधन और संपत्ति पे नियंत्रण रखने के लिए एक ट्रस्ट स्थापित करने का निर्देश दिया। आप यह वीडियो चौपाल व्यू पे देख रहे हैं। ए से लेकर एफ तक मंदिरों में 6 वॉल्ट्स है। इसके बाद 2 और भूमिगत वॉल्ट्स की खोज की गई और उन्हें नाम दिया गया जी और एच। कथित रूप से हीरे जवाहरात, मोती, बेहिसाब सोना और कई बहुमूल्य वस्तुएं इसमें मौजूद है। इतना ही अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। खुद सोचिए, ये मंदिर भारत की सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। इसकी संपत्ति से जुड़ा जो भी अंदाजा लगाया गया है वो चुनिंदा तहखानों के खुलने पे लगाया गया है। कुछ मेन वॉल्ट्स जो अब तक नहीं खुल पाई है, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से इन सभी वॉल्ट्स की नाम करते हैं। वॉल्टे 2011 में ये वॉल्ट खोला गया। एक लोहे की ग्रिल, भारी लकड़ी का दरवाजा और ग्रेनाइट का स्लैब हटाया गया। इसमें नीचे एक अंधेरा कमरा मिला जिसमें से अनेक मूल्यवान वस्तु मिली थी, मिट्टी और तांबे के बर्तन, टोकरियां वगैरह। वॉल्ट सी डी ई एफ मंदिर के पुजारियों के अंडर है। बीते कुछ वर्षों में उन्हें हर साल कम से कम 8 बार खोला गया है। इनमें मिली कुछ सामग्रियों को नियमित रूप से मंदिर के त्योहारों आदि में उपयोग के लिए बाहर लाया जाता है, पर उपयोग के बाद फिर वापस जमा कर दिया जाता है। वॉल्ट जी और एच बंद है
और सदियों से ऐसा ही है। ये काफी लंबे समय से भूले हुए तहखाने हैं जो साल 2014 में एमिकस क्यूरी द्वारा पाए गए थे। एमिकस क्यूरी एक व्यक्ति या संगठन को कहते हैं जो किसी कानूनी मामले में पक्षकार नहीं है पर जिसे अदालत की सहायता करने की अनुमति होती है। अब बात करते हैं वॉल्ट बी की। यह भूले हम नहीं थे पर इसी वॉल्ट से जुड़े हैं रहस्य और कथाएं। मान्यता है कि इसकी रक्षा नाग करते हैं। यही वॉल्ट अब तक खोली नहीं गई है। कथित तौर पर 1880 में भीषण सूखे के दौरान आर्थिक सहायता के लिए खोली गई थी। मान्यता है कि इस तिजोरी में वॉल्ट ए से ज्यादा धन है। यह वॉल्ट बी मंदिर का सातवां दरवाजा भी माना जाता है। इस पर एक सांप के आकार का चित्र बना हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार अगर सातवें दरवाजे को खोला गया तो कई तरह की अशुभ घटनाएं होंगी। कहा जाता है कि एक बार किसी व्यक्ति ने इस दरवाजे को खोलने का प्रयास किया लेकिन उसे उसी समय उसको जहरीली सांप ने काट लिया था। कई लोगों की मान्यता है कि खजाने की रक्षा सांप करते हैं। इस दरवाजे पर किसी भी प्रकार का ताला नहीं लगा हुआ है। बाकी तिजोरियों को खोलने पर भी विवाद रहा है। साथ ही शाही परिवार ने भी बी वॉल्ट को खोलने का विरोध करते हुए कहा कि ये भगवान की इच्छा के विरुद्ध है। किसी परिवार के भूतपूर्व सदस्य आदित्य वर्मा ने कहा था कि ये भगवान की दौलत है, इसे उन्हीं के पास रहने दे। फिर आया जुलाई 2020 का महीना। सुप्रीम कोर्ट ने वॉल्ट बी को खोलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया क्योंकि यह धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मामला था। कयास लगते रहे हैं, लगते रहेंगे, पर असल में कितना धन ये भव्य मंदिर अपने में संजोए है ये तो सभी तिजोरियां खुलने के बाद ही पता चलेगा। मायावी नाग है या नहीं ये तभी पता चलेगा। पर एक बात सत्य है, ये खूबसूरत मंदिर, उसकी आकर्षण वास्तुकला, खुली तिजोरियों की बहुमूल्य वस्तुएं सत्य है, मिथ्या नहीं। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोगों को इस मंदिर के रहस्य के बारे में पता चल सके। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए और आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल